आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। आपको बता दें कि लंका में छिड़ा महासंग्राम, हुआ कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर एवं रामलीला समिति कर्नाटक खोला। अल्मोड़ा की डवम दिवस की रामलीला में रावण कुंभकर्ण संवाद, कुंभकर्ण वध मेघनाथ लक्ष्मण संवाद, मेघनाथ वध सुलोचना सती एवं रावण विलाप आदि मुख्य आकर्षण रहे। देर रात्रि तक दर्शक दीर्घना में उपस्थित दर्शकों ने लीला का आनंद लिया व कलाकारों का तालियों से उत्साह वर्धन करते हुए रामलीला मंच की भूरी भूरी प्रशंसा की। वही नवम दिवस की रामलीला का शुभ आरंभ मुख्य अतिथि रवि रुतेला जिला अध्यक्ष भाजपा एवं मंगल सिंह बिष्ट व्यवसायी एवं समाज सेवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। समिति के सचिव तथा पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि रामलीला समिति के संरक्षक संयोजक तथा समस्त पदाधिकारियों के अथक प्रयासों से यहां भव्य मंच बहुउद्देशीय भवन का निर्माण हुआ था। रामलीला मंच को उच्च मुकाम दिलवाया जिसके फल स्वरूप कर्नाटक खोला की रामलीला अल्मोड़ा की उत्कृष्ट रामलीला होने के साथ ही भव्य मंच के लिए जानी जाती है। महिलाओं बालिकाओं को मंच में लाकर उनसे अनेक किरदार करवाया जाना एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने समिति के संरक्षक बिट्टू कर्नाटक की इस नई पहल और नारी सशक्तिकरण तथा बालिकाओं के उत्थान के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। बता दें कि राम की पात्र दिव्या पटनी लक्ष्मण किरण कुरेंगा हनुमान अनिल रावत रावत पूर्व मंत्री बिट्टू कर्नाटक कुंभकर्ण दीपक कर्नाटक मंदोरी गरिमा तिवारी सुलोचना दिव्या जोशी मेघना डॉक्टर करण कर्नाटक आदि में जीवंत अभिनय किया। रावण रावण कुंभकर्ण मेघनाथ राम लक्ष्मण संवाद तथा रावण विलाप नवम दिवस की रामलीला के मुख्य आकर्षण रहे। कार्यक्रम का संचालन गीतांजलि पांडे द्वारा किया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। I love you.